जी हाँ दोस्तों, तो भारत बनाम बांग्लादेश के बीच एशिया कप का एक महासंग्राम मुकाबला हो चुका है प्रारंभ, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों पांच पांच ओवर के इस मुकाबले में 42 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया है, जिसका पीछा करने के लिए आया है रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल। पहली गेंद मुस्तफिजुर रहमान और का डिलीवरी और पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ से क्या भारतीय टीम इस मुकाबले का इस लक्ष्य का पीछा कर पाएगी और एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दे पाएगी। विराट कोहली आए हैं दोस्तों अगले बल्लेबाज, 29 गेंदों में 42 रनों की दरकार भारतीय टीम को ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। तो मुस्तफिजुर रहमान के सामने विराट कोहली, विराट कोहली तूफानी अंदाज में हवाई फायर कर दिया है दोस्तों। गेंद जाएगी सीधी लोगों से मारेका के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए शानदार तूफानी प्रहार भारत बनाम बांग्लादेश के बीच दोस्तों ये खेला जा रहा है। सभी क्रिकेट प्रेमियों से मेरा निवेदन कि इस मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि भारतीय टीम फिर से एक बार एशिया कप का अपने नाम करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुस्तफिजुर रहमान के सामने है विराट कोहली, मुस्तफिजुर रहमान की गेंद और विराट कोहली सीधा डाल तो ग्राउंड स्टेट ड्राइव, सीधा स्टेट ड्राइव खेल दिया है, गेंद जाएगी सीधे 4 रनों के लिए। तो एक और चौका यहाँ पे, एक और तूफानी प्रहार दोस्तों। विराट कोहली विश्व स्तरीय बल्लेबाज, विश्व क्रिकेट इतिहास जगत का सबसे दमदार बल्लेबाज आज बांग्लादेश के खिलाफ तूफान उगल रहा है। तो दोस्तों मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी भी 27 गेंदों में 32 रनों की दरकार भारतीय टीम को, पहले ओवर में 10 रन आ चुके, तूफानी शुरुआत। इस बार अच्छी गेंद क्लिक करना चाहते तो अंदर ड्राइव में मुस्तफिजुर रहमान 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद तो फेंकी थी, लेकिन दिशा भटके थे। तो 26 गेंदों में 32 रनों की दरकार अभी भी इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए। देखते हैं यहाँ से किस टीम किस अंदाज में मुकाबला खेलना चाहिए। मौका फील्डर पीछे मौजूद, रन नहीं आएगा। तो दोस्तों मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूले अगर आप भारतीय टीम के साथ हैं और भारतीय टीम का समर्थन कर रहे हैं। अंतिम गेंद सामने है विराट कोहली, अंतिम गेंद देखते हैं किस अंदाज में खेलेंगे। बहुत ही ज्यादा उछाल मिला है, शायद एक और अतिरिक्त रन यहाँ पे एम्पायर का निर्णय आया है। ओवर की समाप्ति हो चुके, शुभमन गिल आ चुके स्ट्राइक पर हसन महमूद के सामने दोस्तों। तो मुकाबले को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। इसी बीच तैयार हसन महमूद सामने शुभमन गिल, ओवर द विकेट 24 गेंदों 32 रनों की दरकार। पहली गेंद हसन, ओहो बहुत ही जबरदस्त तीखी बाउंसर, हसन महमूद की तीखी बाउंसर का सामना करना भारतीय बल्लेबाजों के क्या बस में होगा दोस्तों। जरूर जुड़ रहे हमारे साथ, तैयार हसन महमूद दूसरी गेंद लेकर सामने शुभमन गिल, हसन महमूद की गेंद और शुभमन गिल डाउन द ग्राउंड स्टेट ड्राइव सीधा 4 रन के लिए चौका यहाँ पे बटोरते हुए शानदार और खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे चौका बटोर दिया है। तारीफ करनी होगी भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल की अंदर आती हुई गेंद को, बैक टू बॉलर अकेला डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव, मिड ऑफ के सामने कोई फील्डर नहीं था मौजूद, 4 रन यहां पे मिले हैं। तो दोस्तों इसी बीच एक ही निवेदन कि मुकाबले को लाइक कर अंत तक जरूर देखें। 22 गेंदें 28 रन, कांटे की टक्कर का ये मुकाबला, बारिश के कारण दोस्तों पांच पांच ओवर का ये मुकाबला खिलाया जा रहा है। और कल डिलीवरी गेंद और भाग्यशाली रहे बाल बाल बच्चे यहाँ पे, ओहो हसन महमूद 141 अमूनन बांग्लादेशी गेंदबाज इतनी गति नहीं फेंक पाते हैं, लेकिन 141.942 के आसपास की गति हसन महमूद की प्रति अच्छी गेंद। इस बार डाउन द ग्राउंड स्टेट ड्राइव खूबसूरत शॉट, सीधा गेंदबाज के पैरों के नीचे से गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो दोस्तों 20 गेंदों में अब भारतीय टीम जीत की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों से मेरा निवेदन, सभी भारतीय दर्शकों से मेरा निवेदन कि इस मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो फिलहाल तैयार है हसन महमूद, सामने है शुभमन गिल, ओवर द विकेट। इस बार ये का डिलीवरी गेंद और सीधा फिर से वही प्रहार, ये और का डिलीवरी गेंद थी डाउन द ग्राउंड स्टेट ड्राइव, फिर से 4 रन मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो मेरे भारतीय दर्शकों इस मुकाबले को देख रहे हैं, दर्शकों की मौजूदगी खचा खच भरा हुआ है मुकाबला, खचा खच भरा हुआ है मैदान, आप सभी लोग देख सकते हैं किस अंदाज में मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों। तो शुभमन गिल फिलहाल सामने हसन महमूद के, अंतिम गेंद का सामना करने के लिए 19 गेंदों में 20 रनों की दरकार और अच्छी गेंद मिड ऑफ की दिशा में ढकेला इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से आसानी से, पीछे फील्डर मौजूद तो गेंद को उठाया, रन नहीं आएगा। तो अब 19 गेंदों में 20 रनों की दरकार भारतीय टीम को, ये मुकाबला जीतने के लिए साकिब अल हसन कप्तान आए हैं बांग्लादेश के। गेंदबाजी करने के लिए सामने है विराट कोहली, साकिब अल हसन की पहली गेंद और विराट कोहली पहली गेंद मिड ऑफ के सामने ढकेला था, बहुत ही सकारात्मक बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली। तो विराट कोहली के समर्थक मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए,
साकिब अल हसन। दूसरी गेंद सामने है विराट कोहली। साकिब हसन की गेंद विराट कोहली पर से मिड ऑफ की दिशा में रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए दबाव भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर पड़ रहा है। साकिब अल हसन विश्व क्रिकेट के सबसे जबरदस्त हरफनमौला खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी इस वक्त कप्तानी कर रहे हैं बांग्लादेश की। फिर से अच्छी गेंद मिड ऑफ की दिशा में ढकेला है। एशिया कप का मुकाबला एक निर्णायक मुकाबला है, ये जो टीम है मुकाबला जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी। तो साकिब अल हसन दोस्त इस वक्त तैयार है, अच्छी गेंद और सीधा मिड ऑफ की दिशा में जबरदस्त अपने जाल में फंसा लिया है दोस्तों विराट कोहली को। साकिब अल हसन ने अपने जाल में विराट कोहली को फंसा ही लिया है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ से क्या साकिब अल हसन के जाल से निकल पाएंगे विराट कोहली। अच्छी गेंद इस बार तूफानी प्रहार, गेंद को भेज दिया है दोस्तों लॉन्ग ऑफ सी मारेगा के बाहर। दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भारत बनाम बांग्लादेश, इंडिया बनाम बांग्लादेश के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा है। 13 गेंदों में 14 रनों की दरकार जीत के लिए भी। साकिब अल हसन की फिर से अच्छी गेंद मिड ऑफ की दिशा में ढकेला है। इस गेंद को पिछली गेंद पर चौका आया था साकिब अल हसन के खिलाफ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली। इसी बीच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तौफीक अहमद आए हैं गेंदबाजी के लिए। तौफीक अहमद जबरदस्त गेंदबाज, बांग्लादेश की तरफ से सबसे तेज तर्रार गेंदबाज। और पहली गेंद और ओवर का डिलीवरी गेंद बाल बाल बच्चे सुमन गिल 146.33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 11 गेंदें 14 रन। मामला कांटे की टक्कर का है। देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। फिलहाल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिर से पैर पे दे मारी। ओहो 144 146 आग उगलता हुआ बांग्लादेशी गेंदबाज, दबाव भारतीय टीम और सुमन गिल के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तौफीक अहमद सामने दोस्तों सुमन गिल, इस बार तीखी बाउंसर, पटकी हुई बाउंसर, कोई जवाब नहीं सुमन गिल के पास। 144 45 46 किलोमीटर लगातार निरंतर गति आम बात नहीं है गेंदबाजों के लिए। तो फिलहाल तैयार फिर से तौफीक अहमद, सामने सुमन गिल और इस बार ओवर का डिलीवरी गेंद और सुमन गिल इस बार प्रहार कर दिया डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। गेंद जाएगी दोस्तों सीधी दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। तो शानदार जबरदस्त छक्का यहाँ पे जड़ते हुए तूफानी अंदाज में भारतीय बल्लेबाज, तारीफ के काबिल मुकाबला चल रहा है दोस्तों। फिर से ओवर का डिलीवरी गेंद इस बार फ्लिक कर दिया डीप स्कॉरलेग की दिशा में सीधे 4 रनों के लिए। कलात्मक बल्लेबाज और बांग्लादेशी गेंदबाजों के ऊपर सुमन गिल हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौका छक्का और लग रहा है मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में जरूर आ जाएगा दोस्तों। भारतीय टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। फिलहाल तौफीक अहमद 10 रन आ चुके हैं। अंतिम गेंद सामने सुमन गिल, 7 गेंदों में 4 रनों की दरकार भारतीय टीम को। तो अब अंतिम ओवर में भारतीय टीम को 4 रनों की दरकार दोस्तों जीत के लिए। अगर आप भारतीय टीम की जीत चाहते हैं दोस्तों तो मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए। सफीउद्दीन आए हैं अंतिम ओवर लेकर, सामने है विराट कोहली। पहली गेंद सफीउद्दीन की, पहली गेंद मिड ऑफ की दिशा में ढकेला है। ओहो दबाव भारतीय टीम के ऊपर बढ़ रहा है। इसी बीच आप लोगों से निवेदन गुजारिश, इसकी मुकाबले को लाइक जरूर कर दीजिए। सफीउद्दीन दूसरी गेंद लेकर सामने विराट कोहली, कांटे की टक्कर का मुकाबला दोस्तों। मुकाबले को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। योर का डिलीवरी वाइड ओवर कर बल्लेबाज बहुत से दूर है गेंद। अब 4 गेंदों में 4 रनों की दरकार जीत के लिए दोस्तों। सांसे थाम के बैठ जाइए क्योंकि बल्लेबाज विराट कोहली कभी भी छक्का या चौका आ सकता है। फिर से ओवर का डिलीवरी गेंद और फिर से बल्लेबाज की पहुंच से दूर। अब दबाव भारतीय टीम के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। 3 गेंदों में 4 रनों की दरकार इस मुकाबले में जीत के लिए भारतीय टीम को, इंडियन टीम को। सफीउद्दीन 3 दौड़ पेड़ फेंकने के बाद दबाव बढ़ाते हुए चौथी गेंद और चौथी गेंद पर विराट कोहली ने प्रहार कर दिया है दोस्तों। गेंद जाएगी सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। आप लोग देख रहे हैं किस अंदाज में विराट कोहली ने इस मुकाबले में छक्का लगाया है। रीप्ले में आप लोग देख सकते हैं दोबारा किस तूफानी अंदाज में छक्का लगाया है। देख सकते हैं जबरदस्त छक्का विराट कोहली का, ये मारा शॉट और 6 रन के लिए। तो दोस्तों मुकाबले को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। भारत बनाम बांग्लादेश के बीच महासंग्राम मुकाबला दोस्तों, सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए मुकाबला भारतीय टीम जीत चुकी है। क्रिकेट 22 का मुकाबला था दोस्तों, भारतीय टीम ने 4 विकेट से मुकाबला जीता है। तो मुकाबले को लाइक जरूर